हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आपसे भी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं ऑल सब्जेक्ट के, जीके, करंट अफेयर, साइंस, मैथ, रीजनिंग, सब कुछ। ठीक है, एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, और जो दोस्त अब तक चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपके पास तीनों शिफ्ट का एनालिसिस का वीडियो प्लस जितने भी मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करता हूँ वो सब आपके पास पहुँच सके। और देखिए दोस्तों, मैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वीडियोस देखनी है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कलेक्ट करके लेके आता हूँ और आप लाइक बहुत कम करते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर करिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, संगीत अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 31 मई 1952 में। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है भाई, प्रेशर की SI यूनिट यहाँ पे पूछी गई थी, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर पास्कल। ठीक है, असम के गवर्नर, देखिए तीसरी शिफ्ट में भी पूछ ले गए हैं, ये आपका सेकंड में भी पूछे गए थे और ये आप थर्ड शिफ्ट में भी पूछे गए हैं, जगदीश मुखी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2017 में पंजाब विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीट किस पार्टी को मिली थी? तो ये कांग्रेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का प्लान वेग कितना है? तो ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आपका हो जाएगा। ठीक है, WHO का मुख्यालय यहाँ पे पूछा गया है, ये हो जाएगा जनेवा, राइट आंसर। आपको पता होगा या नहीं पता है तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये आगे भी रिपीट हो सकता है। मेंडलिफ की आवर्त सारणी में कितने ग्रुप और कितने पीरियड थे? तो आपके ये 9 ग्रुप और 7 पीरियड थे, और अभी जो करंट है आपका पीरियोडिक टेबल के, इसमें 18 ग्रुप है और इसमें पीरियड अभी भी 7 ही हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी आपका रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो ये आपकी लाल में होती है। ठीक है, लाल कलर में सबसे अधिक होती है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका फोर्स की भी ऐसा ही यूनिट पूछी गई थी किसी दूसरे रीजन में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, न्यूटन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन था, और क्वेश्चन नहीं पता है तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। ठीक है, सल्फर में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो ये 16 न्यूट्रॉन होते हैं, और इसमें इसका एटोमिक नंबर 16 होता है और मास नंबर 32 होता है, ये भी आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, विटामिन का आविष्कार किसने किया था? फंक ने किया था, आप सभी को पता होगा, ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ये अभी एक फर्स्ट टाइम पूछा गया है। ठीक है, यूरेनस की खोज किसने की थी? ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो विलियम हार्सेल ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एल्किन का सूत्र क्या होता है? तो एल्किन का सूत्र होता है आपका CnH2n+2, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हॉकी वर्ल्ड कप, देखिए ये क्वेश्चन तो आपका बहुत ही बार रिपीट हो चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा। हॉकी वर्ल्ड कप आपका यहीं पे होने वाला है इंडिया में, और ये उड़ीसा में होगा, ये भी आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, एक था आपका चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो ये वासुदेव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट था आपका हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? तो ये क्रिश्चियन नाम के एक थे, तो इन्होंने की थी, इसका राइट आंसर क्रिश्चियन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? तो ऑस्ट्रिच का होता है, ये सभी को पता होगा आपको। ठीक है, एक आपका बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र, ये पहले भी आ चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, तो ये क्या कितना हो जाएगा, NaHCO3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लाज्मा से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक आपका लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 100 से 120 दिन तक होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक था आपका नेशनल विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विजय स्तंभ किसने बनवाया था? ये आपका महाराणा कुंभा ने बनवाया था। ठीक है, कवक की कोशिका किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है काइटीन से। ठीक है, काइटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑडिबल वेव कहाँ से कहाँ तक होती है? तो ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष पूछे गए थे, तो उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे, राजीव कुमार, ये मैंने इसके बारे में सब कुछ बता रखा है, नीति आयोग से डेली एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक है, चलिए। और देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक ऑनलाइन टेस्ट परचेज नहीं किए हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आपके पास 3 से 4 दिन भी हैं। ठीक है, 4 दिन अगर आपके पास है तो अभी आप टेस्ट परचेज करके, ये 30 टेस्ट है हिंदी इंग्लिश दोनों में, इनमें एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। ठीक है, सभी क्वेश्चन की, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्टेड है, और इसका प्राइस जो है 149 है, और इसमें 20% का डिस्काउंट सिर्फ टॉपिक स्टूडेंट्स को ही मिलेगा, जो टॉपिक स्टडी के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे आपको कोड फिल करना पड़ेगा सौरभ SPL। ठीक है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आपको खरीदना होगा तो वहां से आप ले सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिले हैं मुझे और बहुत सारे चैप्टर का, तो मैं आपको पहले नाम बता देता हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट कंक्लूजन मैक्सिमम मतलब यहाँ से पूछा जा रहा है, 50% पोर्शन आपका इसमें से है, इसमें से वेन डायग्राम और सिलोगिज्म में से, ठीक है। ये आपके तीन चैप्टर हैं। यहाँ पे एक मिरर इमेज से क्वेश्चन डेली आ रहा है, क्लॉक से, कैलेंडर से भी आपका डेली क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। सीरीज हो गया आपका, काउंटिंग फिगर हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया और एनालॉगी हो गया, ये तो आपके हो गए फिक्स चैप्टर जो मतलब पूछे ही पूछे जाएंगे। तो अगर आपका एग्जाम अभी आगे आने वाले दिनों में है तो इन चैप्टर पे ही फोकस कर लेंगे, तो आपका मान लीजिए रीजनिंग आपकी 90% तो हो जाएगी, ठीक है। 1-2% ऊपर नीचे हो जाएगा, कुछ पूछ लिया जाए ऐसा, ठीक है। एक यहाँ पे मिरर पूछा गया था, मीट का, ठीक है, MET। तो यहाँ पे मिरर का, इसका मिरर इमेज बहुत ही सिंपल सी पूछी जा रही है और जैसे मैंने आपको बताया उसमें तो आपको कुछ सोचना भी नहीं है। यहाँ पे देखिए, मिरर अगर यहाँ पे रखा है तो इसके पास में कौन है, टी, तो टी को भी इसके पास में रख दीजिए। ई आपका इस तरीके से बना हुआ है तो ई का कौन सा पोर्शन मिरर की साइड में है, ये वाला ना, तो यही वाला आपको इस साइड में खोल देना है। और एम को वैसे का वैसे लिख देंगे तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, तो इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं थी, ठीक है। एक था आपका मनुष्य, महासागर और कार का वेन डायग्राम आपको बताना था, ठीक है। तो इनमें से आपको चार ऑप्शन ये थी, तो देखिए मनुष्य, महासागर और कार, कोई भी तीनों में से एक दूसरे से रिलेट करता है, नहीं करता है ना, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों अलग शो कर रहा है, इसमें भी दो को रिलेशन में दिखा रखा है, इसमें तीनों को, इसमें भी दो को और एक को अलग, तो यहाँ पे तीनों के तीनों ही अलग है, मनुष्य और महासागर और कार का कोई रिलेशन नहीं बन सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कथन और निष्कर्ष एक क्वेश्चन था आपका, ऑल मतलब सभी वाला, ठीक है। सभी कमरे होटल हैं, सभी होटल भवन है और सभी जो भवन है वो पर्वत है, तो इसको कैसे बनाएंगे, भाई बहुत ही सिंपल है। सभी जो आपके कमरे हैं वो क्या है, वो सभी होटल है, ठीक है, और सभी होटल क्या है, भवन है, और सभी भवन जो है वो पर्वत है, तो मतलब ये इस तरीके से वेन डायग्राम बन जाएगा, तो जो कोई हार्ड नहीं है, सभी बच्चे बना लेंगे। निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष यहाँ पे क्या क्या है, कुछ पर्वत होटल है, तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी जब ऑल वाली कंडीशन कुछ इस तरीके से दे रखी हो, चाहे कितनी भी चीजें दे रखी हो, उसमें कुछ वाली कंडीशन सबके लिए सेटिस्फाई है। जो इसके अंदर है वो कुछ कुछ की कंडीशन, मैंने आपको बताया ना, अगर एक गोले के अंदर और एक पॉइंट भी लग गया, ये भी कुछ वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये इसके एक दूसरे को मतलब कुछ कुछ में तो कंडीशन कर ही रहे हैं ना कंप्लीट, भाई एक चीज दूसरी चीज को कंप्लीटली कवर कर रही है, तो इसका मतलब मान लीजिए ए है और ये बी है, ठीक है, तो जो बी है वो कंप्लीट अंदर है किसके, ए के, तो ये कुछ पार्ट तो है ए का भी, ठीक है ना, और बी का तो बी तो ए का पूरा कंप्लीट पार्ट है ही, तो इसी तरीके से यहाँ पे कुछ वाली सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा है कुछ पर्वत होटल है, तो बिल्कुल सही है, ये भी सही हो जाएगा। कुछ भवन कमरे हैं, तो भवन और कुछ भवन कमरे भी हो जाएंगे और कुछ पर्वत कमरे भी हो जाएंगे, ठीक है, तो कुछ वाली सारी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी, इसका मतलब तीनों राइट आंसर हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक देखिए क्वेश्चन तो एग्जैक्ट में नहीं पता चला है, बट ये कुछ है कथन निष्कर्ष का ही, इसको देख लेते हैं। कथन यहाँ पे लिखा है, क्या भारत के सभी स्कूलों में 9वीं कक्षा तक परीक्षा नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि क्या भारत के सभी स्कूलों में 9वीं कक्षा तक परीक्षा नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे आंसर किस तरीके से दिया गया है, देखिए यहाँ पे यानी कि कंक्लूजन क्या है, नहीं, छात्रों को अल्पायु से ही परीक्षा देने की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। तो देखिए इसमें जो नहीं बोला गया है इसके पीछे कोई रीजन नहीं दिया गया है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में तो आंसर छिपा होगा ना, ठीक है, यानी कि आंसर होना चाहिए, तो इसमें यहाँ पे कोई आंसर नहीं है इस लाइन में, ठीक है ना, तो इसको हम नहीं मान सकते, डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे बोला गया, हाँ, इससे छात्रों को सोचने और अपना रचनात्मक शौक पूरे करने के में सहायता होगी, तो इसको भी हम राइट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन किया गया, क्या भारत के सभी स्कूलों में 9वीं कक्षा तक परीक्षा नहीं होनी चाहिए, मतलब एक तो चीज ये है कि पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन ही नहीं मुझे मिला है, बट इसमें जो भी ऑप्शन ये बता रखे दोनों नहीं होंगे, ठीक है, तो दोनों डिस्कार्ड हो जाएंगे, ठीक है भाई। और बाकी के मैं क्वेश्चंस कुछ मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा, जो ये स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन है, और इनकी अपनी तरफ से क्वेश्चंस ऐड करके लाऊंगा मैं, जिसमें आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका ओड वन आउट से इस तरीके का, तो यहाँ पे बिल्कुल यही क्वेश्चन आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, बस डिजिट चेंज थी, तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट इसमें है कि ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओड वन आउट यहाँ पे ये हो जाएगा 79 राइट आंसर। एक आपका था ये सीरीज वाला, एक बच्चे ने भेजा है कि ADG और J इस तरीके से लिखा था, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा, तो सीधा सीधा +3 +3 +3 चल रहा है, यानी कि ABCDEFG इसी मतलब सीक्वेंस में चल रहा है, सीधी सीक्वेंस में, और ये आपका M आ जाएगा नेक्स्ट, +3 करेंगे तो M राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाते हैं,
बट कई क्वेश्चंस मतलब आपको यहाँ पे बताऊं तो उनका कुछ लॉजिक नहीं बैठेगा, ठीक है, उल्टा सीधा कुछ मिल गया, फिर उसको अपनी तरफ से ऐड करके सेट करके लेके आना पड़ता है। और जो बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन होते हैं वो मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन था 3, 15, 35, 63 और नेक्स्ट क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो इसमें जैसे 12 प्लस किया गया है, ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका 20 प्लस किया गया है, तो इसके पीछे क्या चल रहा है, प्लस 8 चल रहा है, ठीक है, जैसे 28 प्लस करके 63 बनेगा, तो इसके इसमें क्या चल रहा है, प्लस 8, तो सबसे पहले इस 28 में प्लस 8 करेंगे तो 36, और 36 को हम नेक्स्ट इसमें प्लस करेंगे तो आपका क्या होगा, 99, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की सीरीज भी आपकी पूछी गई थी, तो आशा करता हूँ कि अगर इस टाइप की सीरीज आती है तो आप उसको कर लेंगे। अब मैथ पे आ जाते हैं, ठीक है, अब मैथ का थोड़ा सा पोर्शन आपका ज़्यादा है तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सारे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं। देखिए आपका टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टम हो गया, ये तो आप बिल्कुल मतलब पक्के हो गए होंगे, इसका तो कैसे भी क्वेश्चन दे दे तो कर लेंगे, ठीक है। टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टम हो गया, आपका ट्रेन वाला भी हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस भी हो गया। अब मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ, एक तो आपका प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर और एक वेन डायग्राम से भी लिया है मैंने, सॉरी वेन डायग्राम बोला, पाई चार्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम एंड वर्क से अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, बोर्ड मास से 4 क्वेश्चन, एचसीएफ एलसीएम से आपका 1-2 क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट से भी क्वेश्चन देखने को मिला है अभी, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस आपका 1-2 क्वेश्चन, पाइप एंड सिस्टम 3 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी आपके परसेंटेज, मेंसुरेशन, पाई चार्ट, SICI से भी आपके 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। एक बच्चे ने बताया कि 4 क्वेश्चन आए थे SICI से, टाइम एंड डिस्टेंस से आपके 3 क्वेश्चन। और देखिए एक चीज मैं बता देता हूँ, लास्ट वाली जो थर्ड शिफ्ट है इसमें एक कई दिनों से मैं भी खुद भी नोट कर रहा हूँ, इसमें कोई भी बच्चा गवर्नर, ठीक है, CM और आपका जो हो गया CEO, ये कोई भी कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है थर्ड शिफ्ट में, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो ये भी एक चेंज है, आप देख सकते हैं, मतलब जो मैंने एनालिसिस कर रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। पढ़ के जरूर जाइएगा, ये मत सोचिएगा कि थर्ड शिफ्ट वाले कि कभी हमारे में भी ना पूछा जाए, बट थोड़ा सा फोकस अगर कम रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। यहाँ पे स्क्वायर रूट पूछा गया था 82 और 81 का, ठीक है, तो 82-81 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, ट्रिक मैंने बताई है। जैसे 81 है लास्ट के, मतलब स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 का पेयर बनाएंगे और जितने बच गए उनका एक अलग पेयर होगा। तो 81 में हम देखेंगे जो ये 1 है, 8 को काट देंगे, 1 किसके स्क्वायर में आता है, 1 के में आता है और 9 के में आता है, नोनम क्या 81, ठीक है, लास्ट में 1 आता है, तो यहाँ पे 9 और 1 के स्क्वायर में आपका 1 आता है, ठीक है। 8 को हम काट देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 1 से मतलब है। अब आपको क्या देखना है कि 82 से छोटा स्क्वायर किसका है, 9 का, ठीक है, क्योंकि 10 का करेंगे तो ये तो 100 हो जाएगा, तो छोटा स्क्वायर 81 हो जाएगा, यानी कि ये इससे छोटा है, ठीक है। तो सबसे पहला आंसर का पोर्शन तो आपको मिल गया, 9 ही होगा। अब नेक्स्ट आपको इनमें से एक रखना होगा, यहाँ पे वो कौन सा रखेंगे, इसको देखने के लिए आपको क्या करना है भाई, ये 9 जो है, 9 का स्क्वायर क्या है, अगर 9 का स्क्वायर जो आया वो इसके पास है तो आपका छोटे वाला आएगा, यानी कि छोटा है 9, और अगर आपका 10 का स्क्वायर जो है वो इसके पास ज़्यादा है 82 के, तो आपका ये बड़े वाला आएगा। तो आप खुद देख सकते हैं 9 का स्क्वायर 81 है, तो 81 के पास ही 82 ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब ये राइट आंसर आपका 1 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन की ट्रिक मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखा रखी है पहले से भी, अगर आपने सारी वीडियोज देख रखी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक देखिए दोस्तों, 3 ईयर का जो आपका CI है वो बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे, 3 साल का CI कैसे कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट आपका 15,000 है, टाइम आपका 3 ईयर का दे रखा और रेट आपका 8% दे रखा। अब 3 ईयर का ही मैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि अगर SI और CI से क्वेश्चन आता है ना, तो CI का मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपसे पूछा जाएगा 3 ईयर का, और SI का तो आपसे कितने भी ईयर का पूछ लिया कोई बड़ी बात नहीं है, SI आप निकाल लेंगे। और जो इनके बीच के क्वेश्चन होते हैं वो भी मैंने करा रखे, जैसे डिफरेंस निकालना, ठीक है, कुछ आपको SI दे दिया तो आप उससे आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालनी, वो सब कुछ मैंने करा रखा है, और बीच बीच में मैं डेली क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा मैथ्स के जो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो वीडियो के एंड में मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक ही देखा करें। तो CI निकालनी है, ट्रिक है आपकी 331। जब भी 3 ईयर का आपको CI निकालना हो, ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, 331 याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। तो 15,000 का आप 8% निकालिए, कितना आएगा, 1200 की सबसे पहले 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 3 का काम खत्म, ये आ गया 3600। नेक्स्ट आपका जो 1200 आया, अब 1500 ये मतलब 15,000 पे नहीं लगाना है आपको, जो इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि CI में क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है ना, तो बस आपको वो चीज़ ध्यान रखते हुए उस पर इंटरेस्ट लगाना है। अब 1200 पे आप 8% निकालें, कितना आएगा, 96, और 96 की मल्टीप्लाई 3 में करिए, तो दूसरा 3 भी आपका खत्म हो गया, ये 288 हो जाएगा। फिर जो आपका 96 आया, इसका 8% निकालेंगे तो कितना होगा, 7.68, तो इसकी मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 7.68। तो इन सभी को प्लस कर लीजिए, ये आपका CI आ जाएगा। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि ये 1 क्यों लिखा है, इसका तो कुछ फायदा ही नहीं है, ये 3 ईयर का है ना, तो इसलिए 3 ईयर का बनाने के लिए मैंने 1 लिखा है,
अगर मैं 3-3 बोलूँ, इसका कोड 3-3 रहेगा, बट आपके याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम रह सकती है, ठीक है। तो 3 अर का है तो इसमें तीन चीज़ें यूज होगी, 3-3-1, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है भाई। तो इन सभी को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, और बहुत ही अक्षर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखिएगा, क्योंकि अगर सीआई से क्वेश्चन आता है वो 3 ईयर का ही आएगा। 2 ईयर का आ जाए तो वो तो कर ही लेंगे, 3 ईयर का आएगा तो थोड़ी सी टाइम भी कंज्यूम हो सकता है, थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3895.68 आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो यही आपका सीआई हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब आते हैं हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर पे, ठीक है। इसके मैं आपको कराने वाला हूँ 5-6 क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से देखते जाइए। यदि दो सिक्के, एक तो सिक्के वाले आ सकते हैं, हर एक टाइप का कराऊंगा, यदि दो सिक्के उछाले जाते हैं तो दोनों पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। अब सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, आने की संभावना ऊपर आती है, ठीक है। आने की संभावना जो भी होगी वो ऊपर आएगी, और जो कुल संभावना होगी वो नीचे आएगी। कुल संभावना आपकी कहाँ पे आएगी, वो नीचे आएगी, बस आपको इतना ध्यान रखना है। कुल संभावना कैसे निकालेंगे, अगर सिक्का उछाला जा रहा है उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए जितने भी सिक्के उछाले जाएंगे उतनी ही आपको 2 की पावर कर देनी है, हमेशा कितने की पावर करनी है, 2 की, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यदि दो सिक्के उछाले जा रहे हैं तो 2 की पावर 2 कर देंगे, अगर 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं तो 2 की पावर 3 कर देंगे, अगर 4 सिक्के उछाले जा रहे हैं तो 2 की पावर 4 कर देंगे, और जो ये आ रहा है 2 की पावर 2 करेंगे तो 4, 2 की पावर 3 करेंगे 8, 2 की पावर 4 करेंगे तो 16। ये आपकी कुल संभावना आ रही है जो नीचे का पोर्शन होगा, यानी कि आपका आधा क्वेश्चन तो सोल्व हो चुका है। नीचे क्या लिखना है, अगर सिक्के उछाले जा रहे हैं तो नीचे क्या लिखना है वो आप सीख गए हैं ना। एक बार और बता देता हूँ, जब भी कभी सिक्के उछाले जाते हैं, एक उछाला जाए तो नीचे आने की संभावना कितनी होगी, 2, अगर दो उछाले जा रहे हैं तो नीचे हमेशा आएगा 4, अगर 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं तो नीचे हमेशा आएगा 8, और अगर 4 सिक्के उछाले जा रहे हैं तो नीचे आएगा 16। और ये भी आपको पता चल रहा होगा कि आ कैसे रहा है, जितने भी सिक्के उछाले जाएंगे बस आपको 2 की उतनी ही पावर कर देनी है, क्योंकि एक सिक्के के 2 ही फेस हो सकते हैं ना, हेड या टेल, तो इसलिए हम 2 की यहाँ पे पावर बढ़ाते जा रहे हैं जितने भी सिक्के उछाले जाएंगे। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, दो सिक्के उछाले जाते हैं, दोनों पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। भाई दोनों पर टेल आने की प्रायिकता सिर्फ एक ही होगी, आप अगर देखें करके, यहाँ पे टेल हेड आ सकता है, भाई एक पे टेल आ जाएगा, एक पे हेड आ जाएगा, एक पे हेड आ जाएगा, एक पे टेल आ जाएगा, और दोनों पे टेल आ जाएगा और दोनों पे हेड आ जाएगा, इससे ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं बनती, तो आपका 1/4 राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हमेशा प्रोबेबिलिटी का जो भी आपका आंसर आएगा वो बटे में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, वो ये नहीं आएगा 2, 3, 4, ये ऐसे आंसर नहीं आएगा, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अगर इस टाइप का आंसर आपको ऑप्शन में दिखेगा तो उसको तो आप लगाना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है, यदि दो सिक्के को उछाले जाते हैं तो एक पर हेड और दूसरे पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। अब कुल संभावना तो अभी भी 4 ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं, 2 सिक्के के केस में नीचे तो 4 ही आना है। ऊपर यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने, एक पे हेड और एक पे टेल, अब इस वाली कंडीशन में 2 बन रहे हैं ना, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था, टेल हेड, एक सिक्के पर टेल आ जाएगा, दूसरे पर हेड आ जाएगा, फिर यहाँ पे दूसरी बार उछाला जाएगा तो एक पे हेड एक पे टेल आ जाएगा, ठीक है, फिर एक पे हेड हेड और यानी कि दोनों पे हेड हेड या दोनों पे टेल टेल आ जाएगा, तो 2 कंडीशन बन रही है जिसपे एक पे हेड और एक पर टेल आ जाएगा, ठीक है, यानी कि एक पे टेल एक पे हेड, एक पे हेड एक पे टेल, तो इस तरीके से 2 कंडीशन होगी, तो 2/4 इसको कट करेंगे तो 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना, वैसे देखो ये वाली वो वाली बात तो यहाँ पे नहीं आ सकती जो बिल्कुल सेपरेट चैप्टर पढ़ाने में आती है, मैंने बिल्कुल सेपरेट चैप्टर पढ़ा रखे हैं सारे, आपको अगर आप उनको देख ले तो बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं से भी नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, अगर एक बार आपने वीडियो देख ली, चैनल पे मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, सेपरेट भी बना रखी है, बस आपको देखने की जरूरत है, या फिर आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर लिख के आप टॉपिक स्टडी साइड में लिख दीजिएगा, जब सर्च करेंगे गूगल पे टॉपिक स्टडी लगा दीजिएगा, जब प्रोबेबिलिटी लिखोगे बस आपको सबसे ऊपर वीडियो मिल जाएगी, उसको देख लीजिएगा वहां से और अच्छे से। अगर डाइस वाले क्वेश्चन होंगे, देखिए अगर डाइस वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें कुल संभावना कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो ये देख लीजिए, यहाँ पे अब की बार देखिए डाइस में कितने फेज होते हैं, 6 होते हैं, भाई आपने देखा होगा जिससे आप लूडो खेलते हैं ना, उसमें कितने फेस होते हैं, उसमें 6 फेस होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे होते हैं ना जब आप गेरते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर एक डाइस फेंकी जा रही है तो 6 की पावर 1, अगर दो डाइस फेंकी जा रही है पासा यानी कि ठीक है 6 की पावर 2, ठीक है, अगर 3 फेंकी जा रही है तो 6 की पावर 3, और इससे ज़्यादा पूछा भी नहीं जाएगा, एक ही डाइस फेंकी जाएगी वैसे तो अगर क्वेश्चन आता है, या 2 या 3, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 6 की पावर 1 करेंगे तो नीचे तो हमेशा 6 ही आएगा, अगर एक डाइस फेंकी जा रही है, अगर दो डाइस फेंकी जा रही है तो नीचे हमेशा 36 आएगा, अगर 3 डाइस फेंकी जा रही है तो नीचे आपका 216 ही आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या
बोला गया है, एक पासा उछाला जाता है, एक ही पासा उछाला गया है तो उस पर दो आने की क्या प्रायिकता होगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, मतलब इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। और इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, देख लेना आप। आने की संभावना, कुल संभावना, आने की संभावना ऊपर आएगी, कुल संभावना नीचे आएगी, ये भी मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दिया है। तो जब एक ही पासा उछाला जाएगा तो उसकी पावर 1 रहेगी, तो इसका मतलब नीचे तो हमें पता चल गया 6 आएगा, ठीक है। अब मुझे ये बताइए उसमें पूछा दो आने की संभावना क्या होगी, तो दो आने की तो सिर्फ एक ही संभावना होगी ना, ठीक है भाई। उसमें कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं, जब एक बार आप डालोगे तो उसमें दो तो एक बार ही आ सकता है, दो दो बार या तीन बार आ सकते हैं, नहीं आ सकता ना, तो दो बार दो एक बार ही आएगा, तो 1/6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आप खुद सोच के देखें ना, अगर आपने डाइस फेंकी, आपने एक पासा फेंका तो उसमें दो आने की संभावना क्या होगी। अब यहाँ पे ये भी आ सकता है कि 3 आने की संभावना, वो भी 1/6, 4 आने की संभावना, वो भी 1/6, 5 आने की संभावना, वो भी 1/6। अगर यहाँ पे एक डाइस फेंकी जाएगी और उसमें पूछा जाए कि दो आने की 3 आने की, तो उसमें तो हमेशा आपका 1/6 ही आंसर रहेगा, ठीक है भाई। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक पासा उछाला जाता है तो चार से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा लॉजिकली हो गया है, अब इसको सोचिए, चार से बड़ा आने की संभावना। अब यहाँ पे देखिए, चार से बड़े क्या कितने अंक है, 5 और 6, 2 ही तो अंक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2/6, और इसको कट करेंगे तो 1/3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता था कि एक पासा उछाला जाता है, इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, एक पासा उछाला जाता है और उसमें आपका 3 से बड़े अंक आने की संभावना क्या होगी। तो 3 से बड़ा क्या होगा आपका, 3, ये 3 अंक है ना, 3 से बड़े, 4, 5, 6, तो आपका ये हो जाएगा, और 3 1 3 और 3 2 6, 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे ना इजीली। चलिए अब यहाँ पे आते हैं गेंद वाले क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके हमेशा पूछे जाते हैं। मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करें, पूरा देखा करें, बहुत से बच्चे इस चीज़ का बेनिफिट उठाते हैं और बहुत से बच्चे बीच में वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं, तो उनका लॉस होता है इस चीज़ में, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका कभी भी बॉल निकालने की बात की जाती है, ठीक है, मान लीजिए एक बैग है, उसमें बॉल पड़ी है बहुत सारी, और बोलते हैं ना कि उसमें से बैग में से दो बॉलें निकाली तो उसमें रेड और ब्लू होने की कितनी संभावना है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका फॉर्मूला वही है, आने की संभावना कितनी होगी, कुल संभावना। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, जैसे टोटल गेंद 9 है, मान लीजिए टोटल गेंद 9 है तो उसमें से निकाली 2 गेंद, तो आपका 9C2 हो जाएगा, ठीक है। तो और इसको खोलेंगे कैसे, जब इसको खोलने की बात आएगी तो इसको कैसे खोलेंगे भाई, यहाँ पे दो बार लिखा है ना 9C2, तो इसको हम 9×8 दो बार खुल गया, और 2×1 यानी कि उल्टा करके, उल्टा चलेंगे हम जितनी बार भी होगा। जैसे यहाँ पे 7C3 लिखा है तो इसको कैसे खोलेंगे, 7×6×5, और 3 को कैसे खोलेंगे, 3×2×1, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता 7C4 तो तब कैसे खोलते हैं, 7×6×5×4, तो यानी कि 4 बार आपको खोलना था। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, अभी बाकी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लाल 5 गेंद है, हरी 3 गेंद है, नीली 2 गेंद है, यदि एक गेंद निकाली जाती है, एक बैग में मान लीजिए 5, 3, 2 गेंद है और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है, तो हरी आने की संभावना क्या होगी। अब मुझे ये बताइए कि टोटल गेंद कितनी है भाई, 3, 2, 5 और 5, 5, 10, टोटल गेंद 10 है, उसमें से एक गेंद निकाली जा रही है, तो कुल संभावना कितनी हो जाएगी, 10C1, यानी कि आपका नीचे तो 10 ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको खोलेंगे तो कितना आएगा, 10 ही आएगा ना, कुछ खुलेगा तो है नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हरी गेंद इसमें क्या होगी पूछा है, निकाले जाए तो हरी गेंद हरी होने की कितनी संभावना है, यानी कि हरी गेंद होने की कितनी संभावना है, तो आपकी हरी गेंद कितनी है, 3 है, तो 3C1 होगा, तो आपका राइट आंसर 3/10 हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ये टाइप है, मतलब आपके एग्जाम के लेवल का, ठीक है। इससे आड़ नहीं आएगा यार, आप ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं, कोई SSC CGL तो नहीं दे रहे ना, तो इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको समझ लीजिए। एक बार और समझा देता हूँ और एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर चलते हैं पाई चार्ट पे, फिर वीडियो को क्लोज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि एक बैग में से एक बैग में 5, 3, 2 गेंद पड़ी है, अलग अलग कलर की, लाल 5 है, हरी 3 है, नीली 2 है, यदि एक गेंद निकाली जाती है तो हरी होने की संभावना कितनी है, यानी कि हरी गेंद होने की संभावना कितनी है। तो यहाँ पे कुल संभावना कितनी आएगी भाई, टोटल गेंद कुल होगी ना, टोटल गेंद में से निकाली जा रही है, अगर एक बैग में 10 बॉल पड़ी है तो 10 में से निकाली जा रही है ना एक, तो इसका मतलब 10C1 आपका हो जाएगा ये कुल संभावना। फिर यहाँ पे आप बोल पूछा जा रहा है कि उसमें से हरी होने की संभावना कितनी है, तो हरी गेंद कितनी है, 3, तो 3 में से एक निकलेगी तो 3C1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 3C1 को खोलेंगे तो खुलेगा कुछ नहीं, 3 बचेगा, नीचे 10C1 को खोलेंगे तो खुलेगा कुछ नहीं, यही बचेगा, तो 3/10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं।
देखिए दोस्तों और क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, शायद मुझे कुछ मैंने एक दो क्वेश्चन छोड़ दिया, मैंने बनाया तो था क्वेश्चन बट वो शायद छोड़ दिया मैंने, ठीक है, कोई नहीं, मैं कल आपको कवर करा दूंगा, फर्स्ट शिफ्ट में ही करा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट ये क्वेश्चन देख लेते हैं, एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आ रहा है, दो संख्याएं 5:9 के रेशियो के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ दिया जाए। एक तो यहाँ पे ये बता दिया जाता है आपको कि 16 जोड़ दिया जाए, एक यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता है कि उसमें क्या जोड़ा जाए कि ये रेशो बन जाए, तो दोनों टाइप आप इजिली कर सकते हैं। यहाँ पे बोला जाना है 16 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का अनुपात ये है, तो दी गई संख्या क्या है वो आपको संख्या निकालनी है, ये वाली संख्या। तो यहाँ पे जब संख्या बोली गई है तो इसका मतलब ये 5:9 ये रेशो है, रेशो को हम संख्या बदलते हैं तो क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई रही होगी, ठीक है, तभी तो वो एक रेशो बनी है, तो इससे पहले इसमें कुछ मल्टीप्लाई रही होगी तो हमने मान लिया उसमें x मल्टीप्लाई रहा होगा, तो 5x और अपॉन में 9x ये हमने, ये हमारी संख्या है ये वाली, ठीक है, जो अनुपात में थी हमने उसको संख्या बदल दिया। अब बोला गया इसमें 16 16 जोड़ दिया जाए तो आपका रेशो क्या बन जाता है, 3:5, तो इसमें 16 और 16 प्लस कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, रेशो आपका 3:5 हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, ठीक है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो बस आपको यहाँ पे करना है क्रॉस मल्टीप्लाई और आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू आने के बाद में मतलब आप इजीली निकाल लेंगे, तो यहाँ पे करेंगे 5 की तो कितना हो जाएगा 25 और 80, यहाँ पे 3 की करेंगे नीचे तो कितना हो जाएगा 27x और यहाँ पे हो जाएगा 48। एक्स वालों को एक साइड में ले लेते हैं तो कितना बचेगा, 27x में से 25x को माइनस करेंगे तो 2x बचेगा और इसमें से माइनस करेंगे 80 में से 48 को तो कितना बचेगा 32, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 32/2 तो कितना आ गया 16। अब यहाँ पे क्या पूछा गया, वो संख्या क्या है, तो यहाँ पे आप 5x और 9x लिखा था ना, तो 5x की जगह जो आपको 16 वैल्यू मिली है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9x की जगह आप 16 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे आपकी वैल्यूज मिल जाएगी। तो 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 की तो 80 और 5 में 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, यही आपके राइट आंसर बन जाएंगे, ठीक है भाई। तो आशा करता हूँ कि आपको इसमें कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अब बात कर लेते हैं पाई चार्ट की, ठीक है, पाई चार्ट से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, पाई चार्ट का किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं बताया बट क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इसलिए मैं आपको एक थोड़ा सा समझा देता हूँ किस तरीके से पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है विभिन्न प्रभागों में प्रवेश पाए छात्रों की संख्या, तो यहाँ पे इस तरीके से प्रवेश के कुछ मतलब अलग से दे रखा है। यहाँ पे शिक्षा जो है 30% है, कला यहाँ पे 120% है, विज्ञान, वाणिज्य और विधि, यहाँ पे मतलब अलग अलग तरीके से यहाँ पे दे रखा है, डिग्री में दे रखा है, ठीक है, ये 360 डिग्री का पूरा आपका है ये सर्कल और इसमें आपको डिग्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है अलग अलग जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट है सारे के सारे, ठीक है। और यहाँ पे अभी क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाएंगे वो हमें देखने हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यदि विज्ञान में 1000 छात्र हों तो वाणिज्य के छात्रों की संख्या विधि के छात्रों से कितनी अधिक है। अब देखिए यहाँ पे दिया किसका गया है, विज्ञान के छात्रों की 1000 संख्या है, तो हम टोटल यहाँ से छात्र निकाल सकते हैं सबसे पहले, ठीक है। टोटल कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि विज्ञान आपका कितना है 100 डिग्री है, ठीक है, और 100 डिग्री की वैल्यू हमें पता चलेगी 1000 है तो 360 डिग्री की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यूज करना है जैसे हम परसेंटेज में करते हैं, ठीक है भाई। 100 डिग्री की अगर वैल्यू मिल गई तो हम 360 की निकाल लेंगे, और अगर 360 की निकाल ली तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, अगर टोटल स्टूडेंट पता चल गया तो फिर हम वाणिज्य के भी निकाल लेंगे और आपके विधि छात्र विधि विषय के भी निकाल लेंगे, अगर इन दोनों के निकाल लेंगे तो इनका डिफरेंस भी निकाल लेंगे, और यही आपसे पूछा गया है कि दो वाणिज्य के छात्रों की संख्या विधि के छात्रों से कितनी अधिक है, यानी कि डिफरेंस पूछा गया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यदि विज्ञान के छात्र 1000 है तो 1000 किसके बराबर है, 100 डिग्री के बराबर है, तो यहां से निकाल लेते हैं 360 डिग्री की वैल्यू। देखिए 360 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, कुल छात्र जो है आपके कितने, कुल छात्रों का आपको क्या करना है, मतलब कुल छात्रों का ये 100 डिग्री है ना, तो यहाँ पे कुल छात्र हमने मान लिया कि कुछ भी है, यानी कि x मान लीजिए और उनका हमें 100 डिग्री और डिवाइड करके 360 से निकालना है, तो ये आपका 1000 आएगा। तो अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं ये कितना बैठ गया आपका 3600, ठीक है, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है इसको निकालना, या आपको ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 1000 को डिवाइड करेंगे किससे, हम 100 से, क्यों करेंगे, क्योंकि 1000 जो ये विज्ञान के छात्र हैं ये किसके इक्वल है, 100 डिग्री के, तो इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, और हमें निकालना है 360 डिग्री की वैल्यू, यानी कि 360 डिग्री का पूरा का पूरे सर्कल की, यानी कि टोटल छात्र, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 1000 को 100 से तो कितना बचेगा 10, और यहाँ पे 10 की 360 में करेंगे तो कितना 3600, तो आपके टोटल छात्र कितने आ गए 3600, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब 3600 आपके पास टोटल छात्र आ गए हैं, अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं।
देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि वाणिज्य के छात्र विधि के छात्र से कितने अधिक हैं, तो वाणिज्य और विधि के वो देख लीजिए आप डिग्री कितनी है। वाणिज्य के आपके 65% है सॉरी डिग्री है यार, और विधि के आपके 45 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का हम डिग्री में अगर निकालें तो इनका हमें निकालने के बाद में कितना कितना आएगा। देखिए ये 65 है वाणिज्य के, तो 360 को 3600 को हम डिवाइड करेंगे 360 से और मल्टीप्लाई करेंगे 65 से, तो कितना आ जाएगा 650। यानी कि वाणिज्य में जो जितने प्रवेश लिया है वो कितने हैं 650 बच्चे हैं। विधि का कितना था 45 डिग्री था, तो 3600 को 360 से डिवाइड करेंगे क्योंकि टोटल डिग्री पूरी जो आपका सर्कल का जो है ये 360 होगा, और 360 से डिवाइड करेंगे और 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो विधि में छात्र प्रवेश किए हैं वो कितने हैं 450 है। पूछा क्या गया है इन दोनों का अंतर कितना है, यानी कि जो वाणिज्य में है और विधि में है वो कितने अधिक हैं, तो 650 में से 450 माइनस कर दीजिए तो आपका जो वाणिज्य में छात्र है वो 200 अधिक है विधि के छात्र से। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा ना टायर्ड हो जाते हैं लास्ट तक बताने में, तो थोड़ा सा ये बोलने में भी इसलिए प्रॉब्लम सी हो रही है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ये है, यदि विज्ञान में 1000 छात्रों को प्रवेश मिला तो विज्ञान तथा कला के छात्रों के अनुपात क्या है। तो यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि कला का जो वो है डिग्री है वो कितनी है, तो कला की आपकी जो डिग्री है 120 डिग्री है। तो यहाँ पे आपको विज्ञान के तो पता चली गई 1000 है, तो कला के और देख लीजिए, कला को आपको कैसे निकालेंगे 3600 को डिवाइड कर दीजिए 360 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए 120 से, तो आपका कितना हो जाएगा 1200। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, इनके बीच में रेशो पूछा गया है, तो आपका ये कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, और इधर लिखेंगे 1200, तो दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी, दो से कट करेंगे 6 बार और दो से कट करेंगे 5 टाइम, तो 5:6 का आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज था इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं लगातार मैं इस टाइप की वीडियोस बनाता रहूं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। वैसे आपने लाइक कर दिया होगा और शेयर भी कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा। ठीक है, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं आप यहाँ से टॉपिक स्टडी से। ठीक है, टॉपिक स्टडी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए आज ही, वहाँ पर आपको बहुत सारी फ्री में PDFs मिलती रहती है, बहुत सारी ऑलरेडी वहाँ पर PDFs पड़ी हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है। अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं परचेज किया तो उसको परचेज करके लगाना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, बहुत ही टाइम सेव हो जाएगा। और आशा करता हूं कि आप वीडियो को शेयर जरूर करते होंगे अपने सभी दोस्तों को, जितने भी आपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे होंगे स्टडी वाले, तो उनमें शेयर भी कर दिया करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को देखने, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।